ये आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हमारा मोबाइल फोन वर्क करता है, काम करता है, ठीक है। और ये भी चीज है, और एक चीज ये भी है, ठीक है। ये दो चीज आप लोगों ने देखा है, ऐसा नहीं है ये आपके लिए नया है। हमारे फोन में ये सभी लाइनों ने हमने आपको चेक करवाया था, पीएस होल्ड लेस से लेकर के एमएसएम रिसेट आउट तक। तो इसमें हमने आपको बताया था कि इसी में जब हमारी प्रॉब्लम आएगी किसी भी लाइन में, तो हमारा अगर पावर में दिक्कत होगा तो हमारा पीएस होल्ड नहीं बनेगा, और अगर हमारा पीएस होल्ड नहीं एडजस्टेबल हो रहा है, रुक नहीं रहा है, तो हमारे सीपीयू की भी फॉल्ट हो सकती है, क्योंकि सीपीयू ही पीएस होल्ड से भेजने का काम करता है। पावर ऑन रिसेट लाइन हमारा पावर आईसी बनाने का काम करता है। तो ये सारी चीज आप लोगों ने चेक किया था, ठीक है, ठीक है। तो अब जरा आप ही लोग मुझे गाइड करेंगे, बैच टू वालों का थोड़ा ज्यादा जिद था इस पे, तो मुझे आप बताएंगे इनमें से जो है हमारी लाइन ब्रेक होगी तो स्वाभाविक है कि फोन हमारा बंद पड़ेगा, तो कौन सी ऐसी लाइन मैं रोकूं, जैसे कि हमारे फोन में पावर की प्रेस होने के बाद सबसे पहला हमारा 2.5 हाई एलडीओ बनता है, तो कौन सी लाइनों को मुझे ब्रेक करनी है, आप ही मुझे बताएंगे, उस हिसाब से मैं ब्रेक करूंगा, और उसके बाद फिर हम फोन की बिहेवियर चेक करेंगे कि हमारे फोन में क्या बिहेवियर हो रहा है। रैम का भी जो है 0.60 यहाँ बनता है रिफरेंस वोल्टेज, ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं और या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं, ओके। दोनों ऑप्शन है आपके पास कि कौन कौन सी लाइन को आप चाहें ब्रेक करने के लिए, जिससे कि आप अपने फोन की बिहेवियर को समझ सके। हाँ संतोष सर, हाई एलडीओ लो एलडीओ जो निकाल देंगे तो कुछ भी वोटिंग नहीं लेगा, मैं चेक कर चुका हूँ। तो नो प्रॉब्लम, तो है या लो को मैं एक में से कोई एक को ब्रेक कर दूं? कुछ भी वोटिंग नहीं लेगा, हाँ, बूटिंग एकदम इसमें खत्म हो जाएगा, हल्की सी बूटिंग जाए तो जाए, आप सामने देख लोगे, नो नहीं प्रॉब्लम। सर कुछ भी। यहां से स्टार्ट करें, हेलो से, हाँ रैम का वोल्टेज ठीक है, ये कॉइल हम साइड कर लेते हैं, अब जिन लोगों को सॉर्टिंग के मामले में भी कंफ्यूजन है तो वो जरा अपने यहाँ मल्टीमीटर को देखें, जब खुला हुआ ही है तो मैं दोनों चीज दिखाते आगे बढ़ता हूँ कि ये अपना मल्टीमीटर है, अभी हमने इसको बजर मोड में रखा है, ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है मल्टीमीटर का। सर। अब यहाँ पे देखिए कि इसका एक साइड हमें कितना GR मिल रहा है, 265 के करीब, और दूसरे साइड कितना है, 356 के करीब, ठीक है। तो यहाँ भी हमारा कोई सॉर्टिंग नहीं है, और दोनों तरफ इसमें क्या है, GR है। अगर एक तरफ GR मिसिंग रहता है या इधर GR मिसिंग रहता है, तो हम ये समझते कि ये लाइन हमारा पावर IC से ओपन है, या इधर बीप रहता तो ये लाइन अपना पावर के साइड से सॉर्टिंग है, उधर हमारा फ्री है, ठीक है। चलिए अब इस फोन का हम बूटिंग देख लेते हैं कि इसका बूटिंग क्या है। सर इसमें ये पता चल रहा है कि जैसे पावर से और सीपीयू का कम्युनिकेशन टूटा हुआ है ना सर। ऐसे अभी जो इसको दबाए तो हमारा कोई भी हलचल हमारे फोन में नहीं हुआ, ठीक है, पावर की दबने से। जी तो सर, इससे हमें ये महसूस होता है कि भाई लगता है कहीं ऑन ऑफ का तो ट्रैक नहीं कटा हुआ है ना। लेकिन अगर हम ऑन ऑफ पे चेक कर रहे हैं तो भाई ऑन ऑफ पे तो हमारी बजाबते वोल्टेज बन रही है, इसका मतलब ऑन ऑफ का ट्रैक भी कटा हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा शक ये जाता है बिल्कुल कि जब हम पावर की को प्रेस करते हैं तो हमारा जब हाई एलडीओ बनेगा तभी तो बाकी के वोल्टेजेस बनेंगे हमारे फोन सर्किट में, बिल्कुल जब हाई एलडीओ ही नहीं बिल्कुल बनेगा तो बाकी के वोल्टेज नहीं बनेंगे, और जब बाकी के वोल्टेज नहीं बनेंगे तो हमारे जो कंजप्शन है, एम्पियर जो लोडिंग है, वो होगी नहीं, ठीक है। तो हमें इस तरह के फॉल्ट में, बिल्कुल ये सर, सिचुएशन में आपको इस तरह से चेक करनी है, अपना हाई एलडीओ लो एलडीओ आपको कवर करना है। चलिए मैं इसको लगा देता हूं एक बार, इस कॉइल को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ लगा के और लो वाला भी देखना शुरू में क्या दिखा रहा है फिर। चलिए मल्टीमीटर दिख रहा होगा, चलिए GR देख लीजिए।
जी आर तो अभी ठीक है, इसीलिए पता लग गया कि अभी वो शॉर्ट नहीं हुआ। देखिए शॉर्ट है, ये सब सब शॉर्ट है क्योंकि ये सब पे वही 1.8 है, इसीलिए ये सब शॉर्ट है। तो इसमें उतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, वो तो बीट मैप में दिख जाएगा कि ये लाइन कहाँ कहाँ जाता है, उन सभी स्थान पे आपको शॉर्ट मिलेंगे। ये हमारा इसमें भी जाता है, 4G में भी जाता है, पावर से भी निकलता है, तो इससे आपको जज हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ जाता है, उन सभी स्थान पे आपको शॉर्टिंग मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज था अभी जो आपने देखा कि अगर हमारा जो प्रोटोकॉल वाली वोल्टेज शॉर्ट होता है, जो डिफॉल्ट L5 1.8 है, उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से हमारा फोन मात्र 17-18 जाता है, 17-18। चलिए इसको रिमूव करते हैं। कॉइल पे शॉर्टिंग दिखाएगा कि नहीं है? अच्छा नहीं, कॉइल पे क्यों दिखाएगा, कॉइल पे नहीं दिखाएगा। सर, 1.8 का लाइन जो है बोर्ड में बहुत जगह गया, वो टोटल लाइन मतलब कि शॉर्ट बताएगा। बिल्कुल टोटल शॉर्ट बताएगा, हम सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट मारे, ठीक है, हम जानबूझ के यहाँ पे मारे। अब हो सकता है यहाँ पे नेचुरली पानी लगने से आपका एक कंपोनेंट शॉर्ट कर जाए, तो ये जितनी जगह जा रही है वो सब लाइन आपका शॉर्ट बताएगा। अब आपको किसी मोबाइल में कैसे मालूम कि ये कहाँ कहाँ जाता है, तो सिंपल सा लॉजिक है, बोर्नियो खोलेंगे, बिटमैप खोलेंगे, उस स्थान पे क्लिक करेंगे, बाकी बाकी हमें दिख जाएगा वो कहाँ कहाँ जा रहा है, उन सभी स्थान पे शॉर्ट मिलेंगे। और दूसरा चीज, स्केमेटिक में देख लेंगे कि ये कौन सी लाइन है, तो पता चला L5 1.8 है, इसके बिना तो फोन चालू होना नहीं है। शॉर्ट को कैसे निकालेंगे सर? शॉर्ट को निकालने के लिए, अगर ये 1.8 की लाइन थी और ये लाइन अभी शॉर्ट था, तो हम अपना अगर डीसी पावर सप्लाई मशीन लेंगे तो उसको 1.6 या 1.7 पे रखेंगे, पहले 2 एम्पियर देंगे हम। 2 एम्पियर देने से पहले इन सभी जभी जहां जहां ये स्थान है, इन सभी स्थान पे हम रोजिन डालेंगे। एक देखिए अपना ये DC to DC के आसपास कुछ स्थान पे रोजिन देनी है, कुछ नेटवर्क स्थान पे देनी है, कुछ इधर देनी है, कुछ सीपीयू EMMC के आसपास देनी है, क्योंकि ये 1.8 हमारा सीपीयू के अंदर भी जाता है और 4G पे भी जाता है। तो आपको देखना है कि किधर किधर सील्ड ओपन है, किधर पानी जाने का खतरा ज्यादा है, उधर उधर रोजिन स्मोक देना है और आपको वोल्टेज इनपुट करना है। और अगर आपके पास थर्मल है तो कहीं कोई रोजिन देने की जरूरत नहीं है, सीधा सा मोबाइल में वोल्टेज देना है, पावर की प्रेस करनी है, जिधर शॉर्टिंग होगी उधर का कंपोनेंट्स मेल्ट होगा। पर अगर शॉर्ट नहीं हुआ, ओपन हो गया तो? हाँ, ये बात भी है कि अगर ये 1.8 ओपन हो गया तो आपका जो ये 17-18 की कंजप्शन थी ना, ये 17-18 नहीं होगी, तब ये थोड़ा सा कंजप्शन हो सकता है घटे या बढ़े, तो वो ओपन करके देखना पड़ेगा। अब इसको ओपन हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट पावर से निकला है, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है कि हम इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, करे एक MI A3 आया था हमारे पास अभी कल के पहले डेट इसको में। खत्म कर एक लेते मिनट हैं। सर, एक मिनट, एक मिनट सर, इसी टॉपिक के तब हम पढ़े सर। बोलिए। एक था सर, वो उसका कोर का लाइन सर शॉर्ट था, तो हमने निकाला उसको, तो सर पावर की तरफ सही था और सीपीयू की तरफ शॉर्ट था। उसमें सर 16 कैपेसिटर लगे थे, हमने रोजिन लगा के पहले शुगर वाली सप्लाई उससे शॉर्टिंग निकाला, तो सर कुछ भी मेल्ट नहीं हुआ ना गर्म हुआ। और उसके बाद जब सर शॉर्ट किलर से डाला तो कुछ देर के बाद बीप दे के सर शॉर्टिंग तो हट गई, लेकिन सर सेट ऑन नहीं हुआ ये। शॉर्टिंग पूरा का पूरा नहीं हटा होगा, कुछ ना कुछ शॉर्टिंग लगी होगी, अभी आपकी जल गया कंपोनेंट्स वो, लेकिन वहां पे उसकी कनेक्शन थोड़ी बहुत ये बची सर हुई है। कैप पे था, बाकी सब सीधा सीपीयू में जा रहा था, बस ये हमारे कहने का मतलब है। सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा एम्पियर या ज्यादा वोल्टेज की वजह से नीचे का भी प्रिंट जल जाता है पूरी तरह, डैमेज होता है, तो इसलिए खराब हो जाता है, फिर ऑन भी नहीं होता बोर्ड। ये भी हो सकता है ना सर, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब बॉल जल जाती है। आगे बढ़िए इसमें कि हमने L5 को तो देखा, आगे अगर आप चाहें तो आपका जो ये क्रिस्टल है XO, आप L20 की लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, ये आपके क्रिस्टल के लिए 1.8 बनता है, या फिर आप अपने क्रिस्टल को भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम XO लाइन को एक बार फोकस करते हैं और इस लाइन को एक बार ब्रेक करके देखते हैं। सर एक बात उन भाई से ये बात कह दीजिए, क्लियर हो जाएगा, वो भी एक ट्रैफिक से है, कि उस लाइन में जो आपने शॉर्ट किया था ना, तो उस लाइन का जितना कंपोनेंट्स है उसका एक बार GR ले लेके लेके आगे बढ़िए। चलिए, तो कल स्लीप क्लॉक ले लेते हैं, हाँ बेसमेंट हाँ क्लॉक ले लेते हैं, ठीक है, और पावर ऑन रिसेट लाइन, ये हम स्लीप क्लॉक से कल हम स्टार्ट करेंगे और इन सभी लाइन बिल्कुल को भी हम ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सर।